दोस्तों, हमारा इंटरनेट कैसे काम करता है और ये फाइबर ऑप्टिकल केबल होती क्या है, कैसे हम एक डाटा को दूसरी डाटा को ट्रांसफर करते हैं, ये इतना सारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होता है, दोस्तों इंटरनेट आता कहाँ से है, सारी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। और मैं आपको फाइबर ऑप्टिकल के बारे में सारी डिटेल बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फाइबर, उसके क्या आप जानते हैं कि पानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होता है? इसका आविष्कार बहुत साल पहले हो गया था दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा आविष्कार माना जाता था उस समय में। एक जगह से पानी डालो, दूसरी जगह निकल जाता था, कोई लीकेज नहीं होता था, पानी का वेस्टेज नहीं होता था। तो दोस्तों, ये कैसे हो पाता था, ये बहुत ही बड़ा आविष्कार था उस समय का। आज दोस्तों, फाइबर ऑप्टिकल उसी तरह काम करती है। ये एक ग्लास की वायर होती है। फाइबर ऑप्टिकल दोस्तों उसी पाइप की तरह काम करती है। जैसे पाइप एक जगह से दूसरी जगह पानी आ जाता है, और फाइबर ऑप्टिकल में लाइट्स दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है विदाउट लॉसेज, कोई लॉस नहीं होता है उसमें। दोस्तों, हमारा इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिकल बहुत ही पतली होती है। दोस्तों, आपको मैं आज दिखाऊंगा फाइबर ऑप्टिकल होती कैसी है। ये है दोस्तों फाइबर ऑप्टिकल वायर, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही पतला वायर होता है ये दोस्तों। इसका मेन खोल है, इसके अंदर इसका कोर होता है। ये इसकी कलर कोटिंग है दोस्तों, ये व्हाइट कलर में है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये इसकी सेकेंड कोटिंग है, प्लास्टिक की है, और ये इसके ऊपर रेशे होते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा निकाल के दिखाता हूँ। ये फाइबर के रेशे होते हैं इसके ऊपर। ये इसकी प्लास्टिक कोटिंग है, इसके ऊपर दोस्तों एक कोटिंग और होती है, और अंदर कोर होता है जो फाइबर का होता है दोस्तों। ये है ग्लास फाइबर, आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे बाल से 10 गुना पतला होता है दोस्तों, बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही नाजुक होता है वायर। एक केबल से लेके दो एक कोर दोस्तों जो दो फाइबर की होती है, दो फाइबर से लेके दोस्तों 48, 50, 60, इतनी बड़ी बड़ी फाइबर दोस्तों, बड़े बड़े जैसे हम समुद्र में देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ी बड़ी फाइबर होती है। इससे पूरी दुनिया चल रही है दोस्तों, भाई जो इंटरनेट यूज करते हैं पूरी दुनिया में, सैटेलाइट इसके आगे कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो हम फास्ट इंटरनेट करते हैं वो वही केबलों के कारण, ये फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के कारण होता है, जिससे हमारा पूरा इंडिया का नहीं वर्ल्ड का इंटरनेट चलता है दोस्तों। नहीं, एक फाइबर के अंदर दोस्तों 20 से 25 हजार फोन कॉल्स एक साथ इकट्ठे कंज्यूम करने की क्षमता होती है दोस्तों। ये पतला एक छोटा सा वायर 20 से 25 हजार फोन कॉल्स को हैंडल कर सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें जो डाटा चलता है एक जगह से दूसरी जगह, वो ऐसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करता हुआ चलता है, जो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता है। और इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो इस डाटा को दोस्तों से कवर की तरह काम करती है, डाटा को वेस्ट नहीं होने देती है, जिससे इतना सारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है और कोई लॉसेज नहीं। हम लाइट के बारे में बात करेंगे, जो लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर रफ्तार में होती है दोस्तों, लाइट बहुत ही फास्ट होती है। तो दोस्तों, अगर हम केबल फाइबर में लाइट डालेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह हमको फ्लक्चुएशन करते हुए दिखाई देगी, और जो उसका कोटिंग होती है उसको सेफ्टी करती रहेगी। तो यही कंसेप्ट है दोस्तों इसका, कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो फाइबर ऑप्टिकल में जो हम डाटा डालते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए, वही डाटा दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह पूरी आसानी से आ जाता है, और उसमें कोई लॉसेज नहीं होता है। हाई स्पीड इंटरनेट हमको देखने को मिलता है, जैसे जियो का गीगा फाइबर है, उसका यही कंसेप्ट है हर घर में इंटरनेट देने की दोस्तों। जो हमारे आसपास देखते हैं दोस्तों, हर पोल पर जियो का फाइबर दिखता है हमको, वो यही फाइबर है, इससे हमारा इंटरनेट चलेगा आने वाले समय में। और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि हर घर में फाइबर ऑप्टिकल, जिससे हर आदमी को हाई स्पीड इंटरनेट मिलता रहेगा दोस्तों, यही इसका फाइबर ऑप्टिकल कंसेप्ट है। इसमें दोस्तों ज्यादा डाटा अपन नहीं ले जा सकते, और जो मल्टी कोर होती है उसमें बहुत सारा डाटा दोस्तों समुद्र के माध्यम से इंडिया के अंदर आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा डाटा है। इंटरनेट उसी से चलता है, पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट उसी से चलता है। तो दोस्तों, ये कमाल की चीज है, इसलिए आपको बताना जरूरत है इस वीडियो में। ये है फाइबर ऑप्टिकल केबल दोस्तों, बहुत ही कमाल की चीज है, आपके घरों में आने वाली है। अगर आप यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी स्पीड यूज़ करते हैं, जियो का गीगा फाइबर यूज़ करते हैं या कौन सा कंपनी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको समझ में आया, कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छी जानकारी।